दीक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर बंडा विधायक तरवर लोधी ने पार्टी बदलने की अफवाहों को खारिज किया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के पार्टी बदलने के बाद बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी के बारे में भी कई प्रकार की अफवाहें उड़ाई जा रही थीं कि शीघ्र ही वे भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इन सभी अफवाहों को विराम लगाते हुए बंडा विधायक लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ की तरह है, मैं कभी भी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूँगा और ना ही किसी प्रलोभन में आऊँगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर भी कानूनी कार्यवाही करेंगे। सागर बंडा से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। समाजी की सभा में ये दावा किया है कि बंडा विधायक तरवर लोधी जो है वो जल्द ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आपका क्या कहना है उनके इस बयान पे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ बस फर्जी संगठन चलाते हैं रामगोपाल जी राजपूत। और जो उन्होंने कल सुर्खी में जो सभा हुई है समाजी कि उसमें जो बोला है वो सरासर गलत है। मेरा उनसे कभी कोई इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। और दूसरी बात, ये सिर्फ सुर्खी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये साजिश रची गई है और ये सिंधिया जी और गोविंद जी के कहने पर रामगोपाल जी ने वहाँ कहा है। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं भाजपा में जाऊंगा। ये तो सिर्फ जो लोधी वोटर हैं वो आज कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है, उस चीज़ को लेकर ये गलत तरीके से वहाँ बयानबाजी करी गई है रामगोपाल जी के माध्यम से। क्या वजह मानी जाए कि कांग्रेस के विधायक जो हैं लगातार टूट के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? क्या नेतृत्व क्षमता की कमी है कांग्रेस में या कोई और वजह है? इसमें तो सीधा मैं ये बोलूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये जबरन प्रलोभन देकर जो कुछ लोग गए हैं उस चीज़ को लेकर ये विधायक जा रहे हैं। और मैं जो अभी ये एक और कृत्य जो अभी राहुल लोधी जी को लेकर किया गया है इसमें ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, उनको घबराहट हो रही है कि जो 28 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं वो 28 हार रहे हैं, उस चीज़ को लेकर ये दमोह विधायक को उन्होंने अपनी ओर खींचा है। जो बयान दिया है कि आप इसमें कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, तो क्या उनके प्रति आप कोई कार्रवाई करेंगे या कुछ और करेंगे? बिल्कुल, मैं उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। लोधी समाज के नहीं, कांग्रेस पार्टी के अभी बहुत विधायक लाइन में है और लोधी समाज का एक विधायक और जल्दी आने वाला है। कौन है, क्या नाम है? वो नाम आपको पता चल जाएगा। मंच से घोषणा कर दी, अब क्या रह गया? बंडा के विधायक हैं तरवर सिंह लोधी, वो जल्दी आने वाले। कब आ रहे हैं, बात हो गई? नहीं, आपको समय बताएगा, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। रेट वेट फिक्स हो गया? नहीं नहीं, ये रेट वेट का कोई नहीं है, विकास के लिए सब अपने क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा इसलिए सब आ रहे हैं। अच्छा, तो पूरे कांग्रेस के पूरे विधायक आएंगे क्या? पूरे नहीं, जिनकी इच्छा है जो विकास चाहते हैं वो आएंगे। आपके संपर्क में कितने हैं?